वेलकम टू माय चैनल सुल्तान व्लॉग टीवी। भाई अब रेगुलर जो व्लॉग में होना है, अभी मैं सुबह के उठ रहे हैं, 7:30 बज गए, सो के ही उठा हूँ, घर से बाहर निकल रहा हूँ। देखो क्या व्यू है। अरे क्या कर रही है सुबह सुबह उठ के, मेरे से पहले क्यों उठ गई, क्या कर रही है उठ के? हाँ घूम रही है, आ जा। मेरे से पहले सुबह सुबह उठ के घूम रही है ये मंतसा है, मेरे से पहले सुबह सुबह उठ के घूम रही है एकदम मज़े में। अभी मम्मी आ रही है, मेट्रो स्टेशन के पास है, मम्मी को लेने जाना है। जा रहा हूँ, आ गया मेट्रो स्टेशन पे, खड़ा हूँ भाई, वेट कर रहा हूँ। वो काफ़ी अच्छा लग रहा भाई, यहाँ तो मस्त। ये छतरपुर मेट्रो, ऊपर मेट्रो चल रही है, बाइक लेके यहीं आ गया। रोड बिल्कुल खाली खाली है। मम्मी आ रही है, मम्मी किधर से आ रही है? ये मेट्रो का एंट्री गेट है, और मेरी मम्मी आ रही होगी यहाँ से। गर्मियों का टाइम में ना सुबह सुबह घूम रहे हैं, मज़ा है एकदम मस्त, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। गर्मियों के समय में सुबह सुबह 6:30-6 बजे उठ जाओ और फिर घूम के जाओ, एकदम मस्त मज़ा आ रही है। मम्मी मम्मी आने वाली है, ये आ गई मम्मी। घूम लिया? हाँ, और कहीं जाना है? पहले ये बता, इतने सारे मुर्गी के बच्चे किसने पाल रखे हैं? सुबह सुबह सो के उठता हूँ मैं, मुर्गी बकरी पै पू करते रहते हैं, उठाते रहते हैं, तुम्हारे ही सारे सारे किस दिन काट के खा जाऊंगा। देखो ये रही, ये रही, ये तुम्हारे बकरे ना, ये वाले देखो तुम्हारे बकरे ना, ये दोनों तुम्हारा बकरा नहीं है, मेरा नहीं। देखो तो मुर्गी भी घूम रही है, नहीं मेरा, सबको ले जाऊंगा। पर कॉलोनी ऐसी है कि भाई मुर्गी बकरा बकरी सब कुछ मिलेगा सुबह सुबह, पूरे गांव की तरह, गांव देहात की तरह अपने कर लेंगे भाई, मस्त लगता है यहाँ पे। पहले करता था ना मैं वो वाले ब्लॉगिंग, ट्रैवलिंग ब्लॉगिंग और इन्फॉर्मेशन देना, तो भैया जी उसमें लगते थे पैसे, खर्चा पानी नहीं है मेरे पास इतना, और जब आएगा तब जरूर करेंगे। अभी पहले फैमिली ब्लॉगिंग चालू कर दी, घर द्वार वाला एकदम मजे लेते हुए करेंगे, देखते हैं। घर में निकला हूँ और जा रहा हूँ पार्क। पार्क कॉलोनी के ये मुर्गी चोर बैठे हुए, आओ मुर्गी चोर, क्या हो रहा है मुर्गी चोर? मुर्गी कहाँ है? मुर्गी कहाँ है? कहाँ तेरी मुर्गी? अरे खत्तों पे बैठे हुए हूँ, अंडा चोर है, अंडा चोर। कहाँ मुर्गी है? कहाँ पूरी मुर्गी? रुक रुक, दिग्गज दिग्गज मुर्गी। वो बच्चे किसके? मुर्गी के पास लाल पीले बच्चे, सारे खत्ते पे ही घूम रहे हो। ये है शॉर्टकट रास्ता, जहाँ से मैं पार्क में आ रहा हूँ ना, यहाँ से शॉर्टकट सा रास्ता है, एकदम मस्त शॉर्टकट है। डालांग से नीचे उतरो, डायरेक्ट हम पार्क में पहुँच जाएंगे भाई। ये हो गए जंगल वाले रास्तों से पार्क के अंदर, पार्क में अंदर घुसते ही साथ में मस्त व्यू आएगा। जिम भी, आज जिम भी करके देखूंगा कैसा है, किस तरीके का। पहले जाया करता था ना यार ट्रैवलिंग वाले ब्लॉग करने के लिए, क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेस है, मतलब किले वगैरह में जाया करता था ना, तो वहाँ जाने के लिए भैया पैसा चाहिए, खर्चा बहुत लगता था, इतना माल है नहीं मेरे पास, तभी मैं कुछ कर नहीं पाया यार। अब जब पैसे वैसे आएंगे, सैलरी वैलरी आए, तब करेंगे। अलग बात कर रहा था वो पार्क, ये रहा पूरा जिम के सारे सुविधा दे रखी, लेकिन जिम आता ही नहीं, क्योंकि भाई ये रहा सारा जिम का डंबल वम्बल सब कुछ लगा रखे दिल्ली सरकार ने, ये रहे सारा पूरा जिम का सामान सारा कुछ लगा रखा है। ऐसा होता छुट्टी मिलती नहीं है, कभी सुबह की ड्यूटी कभी शाम की ड्यूटी, तो इसलिए बस लगा ही रहते, करते हैं एक्सरसाइज वगैरह, मजे लेते हैं। ये कितना किलो किलो से? 5-5 किलो के दे रहा, 5-10 किलो 20 किलो है। काउंटडाउन, फोन गिर जाएगा भाई, फोन हिलने लगा था मेरा।
काफी सारे दोस्त वगैरह मेरे करते रहते हैं जिम, काफी रिश्तेदार में भी काफी भाई लोग मेरे करते रहते हैं जिम, तो उनके साथ जाने का फिर टाइम ही नहीं मिलता यार, जब परमानेंट कर नहीं पाओगे तो क्या फायदा जिम जाके। सही बात है इसलिए भाई चलते रहना चाहिए। और ये बैठा मेरा नौसाद भाई एकदम मस्त हो रहा है। हाँ पीके, ये मामा का लड़का है नौसाद मेरे, इसने भी थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाई मेरी हेल्प करी है। ये कॉलोनी में रहता छोरा, क्या नाम है तेरा? पीके इरशाद, इरशाद भाई जिम कर ली काफ़ी और फिर अब निकल रहा हूँ घर की तरफ, क्योंकि भाई जॉब पे भी जाना है, नहाना वहाना है, नहा वहा के जॉब पे जाऊँगा। अब देखते हैं, अभी पहले दुकान से सामान भी लाना यार, जिंदगी बड़ी बिजी टाइप की है, बस जीना सीखो सही तरीके से। ऊपर चढ़ा और ऊपर चढ़ते के साथ देखो दिल का बैठा है। हाँ सुबह सुबह अभी ये चार दिन के लिए आया, अब ये फिर मुंबई भग जाएगा। जाएंगे नहीं भाई, काम करना पड़ेगा ना। तो ये बता कर क्या रहा है यहाँ अकेले? तेरे शादी वादी की बात उड़ती हो गई? हाँ भाई हो रही है भाई। कब की शादी है तो बता। अभी तो भाई मालूम नहीं, दो साल तक तो करूंगा नहीं। बस दिलकश की शादी भी हो रही है, एक डेढ़ साल में हो जाएगी। छोरी देखने के लिए आए मुंबई से दिल्ली। अरे रंगे, ईद बनाने आया था तेरा, दोनों काम हो गया, लड़की भी देख लेगा ईद भी बना लेगा। बैठा हुआ था अकेला खाली, और ये मेरे मामा का लड़का है हसन, ये आए मेरे से मिलने के लिए, क्योंकि बोला भैया मैंने ईद पे तो मिला नहीं तुमसे, तो आज आया मिलने के लिए। ईद कल थी ना, तो कल ही आया नहीं मेरे से मिलने के लिए, तो आज आया मेरे से मिलने। और मौसम भी आया, मौसम ये मौसम भाई, ये छोटा है, ये मामा का लड़का, ये दोनों मेरे मामा के लड़के दोनों, लेकिन दोनों अलग अलग मामा के लड़के हैं दोनों। मौसम भी आया और ये भी आया हसन भी, अब आए हैं तो बता क्या खाएगा पिएगा? बता कुछ खाना पीना है? नहीं। बनाओ पेप्सी वेप्सी ना। बता दे सब कुछ आ जाएगा माल? नहीं। अरे तुम मेरे भाई हो, जिगरी हो। अब ये रहा ये है छोटू, ये मैं अपने मेरे मामा के लड़के में रिश्तेदार में सबसे छोटा यही है, मामा के लड़कों में सबसे छोटा यही है। क्या नाम है तेरा? मौसम। ये हंसते हुए बोल रहा है बिल्कुल मस्ती के साथ। ये मौसम शादी वादी कब है तेरी? बता दो दे भाई, पहले मेरी शादी करवाएगा। अरे भाई छोटे बच्चों की जल्दी शादी होती है आजकल, पता नहीं तेरे को? प्रधानमंत्री ने जल्दी शादी करवा रहे छोटे बच्चों की। अरे नहीं करवा रहे ऐसे यार, मजाक करा, तो मेरा भाई है। तो अभी कहाँ जाओगे? घर जाना है, घर जाना है या कुछ खाना पीना बता दियो? ठीक है लेके आऊंगा तेरे लिए खाना पीना। आज के लिए इतना ही मेरे भाइयों, मैं मिलता हूँ कल दूसरी वीडियो में, क्योंकि अब जॉब पे जा रहे हैं। बिल्कुल लग रहा भाई ये झूला, ये काफी सारे एंजॉय कर रहे हैं सारे मस्ती। छोटा सा लड़का मिला, वो बोल रहा बच्चा सा, बोल रहा भाई तेरी वीडियो देखता हूँ तेरा फैन हूँ मैं। भाई सारे मजे ले रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ भाई जॉब पे, रोड पे पहुंच चुका हूँ, बस पकड़ के सीधा निकल लूंगा।